हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको जॉन्डिस है, पेट में दर्द है और फीवर है? और क्या आपके डॉक्टर ने आपको ERCP प्रोसीजर के बारे में जिक्र किया है? तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ERCP प्रोसीजर क्या होता है। ये सुनने में जितना ही डिफ़िकल्ट लगता है, हम उतना ही कोशिश करेंगे कि आपको ये आसानी से एक्सप्लेन करें। तो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर वेदांत करवीर, डायरेक्टर ग्लोबस गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हॉस्पिटल मुंबई। तो फ्रेंड्स, ERCP मतलब एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी। सिंपल शब्दों में ये ERCP जो प्रोसीजर है, ये एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है जो एंडोस्कोप से की जाती है। इसमें पेशेंट को बेहोश किया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, एक माइल्ड एनेस्थीसिया दिया जाता है बाय द एनेस्थेटिस्ट। एंड फिर ये जो एंडोस्कोप होता है, ये हम मुंह से पास करते अंदर जाते हैं और इसमें हम इवैल्यूएट करते हैं आपके पित्त के नली को, पैनक्रियास से संबंधित मतलब स्वादुपिंड से संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है उसके लिए, या कभी कभी रेयर केसेस में अगर आपको गॉल ब्लैडर का या पैनक्रियास के डक्ट का अगर कोई कैंसर है तो उसको हम समझने के लिए इसे करते हैं। ये प्रोसीजर ना सिर्फ हमको ये बीमारियां समझने में मदद करती है, बट इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी मदद करती है। तो क्या आप जानते हैं कि आज से 30-40 साल पहले 1980s में जब किसी को कोई रुकावट होती थी पित्त के नली की, बाइल डक्ट की, तो क्या होता था? इनकी एक मेजर सर्जरी की जाती थी एंड दिस सर्जरी यूज्ड टू टेक 7 to 8 hours। एंड इसके बाद पेशेंट को कम से कम 10 से 15 दिन अस्पताल में रहना पड़ता था एंड काफ़ी सारा पेन और काफ़ी सारा तकलीफ सहन करना पड़ता था। ये सारी प्रोसीजर आज ये ERCP से हम केवल कुछ टाइम में कर सकते हैं, जैसे कि 30 minutes to 1 hour के प्रोसीजर टाइम पीरियड में हम लोग ये ERCP प्रोसीजर कर सकते हैं एंड ये डे केयर पे भी हो सकती है। सो दिस इज़ द रिवॉल्यूशन ऑफ द प्रोसीजर। सो पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि आपको ये ERCP की प्रोसीजर क्यों एडवाइस की गई। तो ERCP की प्रोसीजर आपको तब एडवाइस होती है डॉक्टरों के द्वारा जब आपके कुछ इंडिकेशंस हैं, जैसे नंबर 1, आपके अगर पित्त के नली जिसे हम बाइल डक्ट कहते हैं उसके अंदर अगर कोई रुकावट है। आमतौर पर यह रुकावट स्टोन्स की वजह से होती है। ये स्टोन जो है गॉल ब्लैडर से कभी कभी सरक के पित्त के नली में आ जाते हैं और वो रुकावट क्रिएट करते हैं, तो ऐसे में हमको ये स्टोन्स को रिलीव करना पड़ता है। दैट इज़ नंबर 1। सिमिलरली ऐसे ही स्टोन्स कभी कभी पैनक्रियाज में मतलब स्वादुपिंड के नली में भी पाए जाते हैं, जिसमें हम क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। ऐसे केसेस में भी ये आपको ERCP का प्रोसीजर एडवाइस किया जाता है। इससे हम पैनक्रियाज के डक्ट में जाके ये स्टोन क्लियर करके उसमें स्टेंट डाल देते हैं। सेकेंडली, जब आपको रुकावट है पैनक्रिया बाइल डक्ट में, ये रुकावट जो है ये कभी कभी कैंसर की वजह से भी हो सकती है। अब जब कैंसर है बाइल डक्ट का या पैनक्रियास के मुंह वाले हिस्से का, जिसको हम बोलते हैं हेड ऑफ पैनक्रियास का, तो इसके वजह से बाइल डक्ट सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है और उसके वजह से वहाँ पर रुकावट पैदा हो जाती है। ऐसे में ERCP हमको मदद करता है इसे पास करने, नेगोशिएट करके पास करने के लिए, और वहाँ से हम बायोप्सी भी ले सकते हैं और वहाँ पे हम स्टेंट भी डाल सकते हैं। स्टेंट डालने से वो जो पैसेज बंद हुआ रहता है पित्त के नली का वो खुल जाता है एंड उससे जो बाइल है, पित्त है, वो बाहर आने लग जाता है। तो ये एक बहुत ही मेजर इंडिकेशन होता है ERCP का। कभी कभी गॉल ब्लैडर का मतलब पित्त के थैली का कैंसर जो होता है उसकी वजह से कि पित्त की नली दब जाती है और पित्त की नली दबने की वजह से भी रुकावट पैदा हो जाती है, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हम कहते हैं। ऐसे में ERCP करके हमें एक स्टेंट रखने से वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसे हम रिलीव कर सकते हैं, रुकावट रिलीव कर सकते हैं और इसके भी फायदा हो सकता है। सिमिलरली एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है ERCP करने का, वो होता है कि कभी कभी गॉल ब्लैडर का जो सर्जरी होता है, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होते हैं जहाँ पे इमरजेंसी में गॉल ब्लैडर की सर्जरी करनी पड़ती है, ऐसे में कभी कभी पोस्ट गॉल ब्लैडर सर्जरी हमें बाइल लीक का प्रॉब्लम हो जाता है। ये जो बाइल लीक होने लगता है, जो पित्त होता है वो लीक होने लग जाता है कहीं से, कोई नली से, तो ऐसे में भी हम ERCP करते हैं ऑपरेशन के बाद। इससे हम वहाँ के जो पित्त की नली है उसमें स्टेंट डाल देते हैं और स्टेंट के डालने से ये जो लीक है ये आसानी से रोका जा सकता है।
तो ये फ्रेंड्स ये चार इंडिकेशंस है जहाँ पे हमको ERCP अक्सर करने पड़ते हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ये प्रोसीजर कैसे की जाती है, हाउ इज द प्रोसीजर परफॉर्म। तो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।